हाय गाइस, वेलकम टू तिरंग व्लॉग। कैसे हो गाइस आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ भाई साहब। कल रात को भाई एंडिंग में नहीं कर पाया व्लॉग, क्यों भाई? नानी मासी सब आए हुए थे, मस्त बातें करते रहे, पिछली सारी बातें याद करते रहे, उसी चक्कर में एंडिंग भी भूल गए और फिर मस्त सो गए। सो गाइस, अब हो गया सुबह सुबह मॉर्निंग और हम उठ गए। और भाई मैंने आपको बोला था कि आज से मैं डाइट स्टार्ट कर दूंगी, बस मुझे वेट था कि मैं थाना भवन आ जाऊं जिससे कि मेरी अच्छे से डाइट हो जाए, क्योंकि जब मैं चंडीगढ़ रहती हूं तो हम रोज बाहर घूमने चले जाते हैं, फिर मेरी डाइट होती नहीं है। तो आज से मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मेरा डाइट स्टार्ट हो। और आज अभी सुबह मैंने आपको एक क्लिप दिखाई है जिसमें कि मैंने ड्राई फ्रूट खाया, और अभी मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी डाइट ली है। तो मुझे 11:30 बजे ब्रेकफास्ट करना है, तो उस टाइम मैं करूंगी ओट्स का चिल्ला। तब तक आप वेट करो, अभी तो 10:00 बजे। मैं फटाफट से अपनी मीटिंग ले लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ दोबारा से आपके साथ, और फिर करेंगे मस्त मिलके हम साथ में ब्रेकफास्ट। तो गाइज अपना ब्रेकफास्ट हो गया डन भाई। आज मैंने खाया ओट्स का चिल्ला, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी तो नहीं था, बट ठीक है, हेल्दी तो बहुत है तो खा लेंगे। अब बस जा रहे हैं शॉप पे, अभी मीटिंग से ख़त्म हुई थी तो मैंने कहा फटाफट चलते हैं। मासी जो 2 सूट लेकर आई थी ना, उसमें से एक की फिटिंग थोड़ी टाइट है, तो अगर उसका बड़ा साइज मिल गया तो वो ले लेंगे, वरना वो कुछ नया देख लेंगी। तो चलते हैं, बस मासी और मैं जा रहे हैं हम दोनों अब शॉप पर। गया भाई, हो गया मासी का काम जो हम चेंज करने आए थे, मिल गया आपको? हाँ जी। खुश? हाँ जी। चलें अब? ये वाला इसकी पैंट का ठीक कराना था, वो पापा बताएंगे। तो गाइस मासी का सूट चेंज करा के हम आ गए मस्त घर पे वापस। अब हो गया टाइम 12:30, और 12:30 बजे है मेरा फ्रूट खाने का टाइम, जिसमें कि मैंने खाना है 100 ग्राम फ्रूट। तो मैं खा रही हूँ अमरूद और 2 पेयर्स के पीस। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब मम्मी की बहन और मम्मी आ जाती है तो वो कैसे पलट जाती है। भाई साहब, मैं यहाँ अंदर काम कर रही हूँ और मम्मी ने एक बार मेरे से नहीं पूछा कि गुड्डू खाना खाएगी नहीं, मस्त बैठ के बाहर खा रही हैं। अभी आपको दिखाते हैं, चलो भाई यहाँ दो मिनट। क्या कर रही हो आप? एक भी बार ये नहीं, बच्चे से भी पूछ ले। बच्चे ने चावल तो खा तो सकता हूँ मैं आपके साथ, इतना भूल गई हो। ओ हेलो, क्या हेलो क्या कर रही हो? आज मेरे को भूल गया, अब आप मेरे बिना ही खाना रोज, समझ गई? क्यों? आज भी तो खा लिया। तो चावल बन रहे हैं, पनीर दही चावल बने नहीं क्या? अभी भी भूख लग रही है क्योंकि। गाइस ये आ गया अपना लंच भाई, ये है 1 कटोरी चावल और ये 60 ग्राम पनीर की भुर्जी, साथ में दही खाएंगे और हरी चटनी। बस अभी आंटी लेकर आ रही हैं, ये सब मिक्स करके एक वेज पुलाव सा बना लेंगे बढ़िया सा और मस्त खाएंगे। तो ये हो गया अपना भरपूर भरा हुआ प्रोटीन वाला लंच, तो चलो खाते हैं इसको। मैं थोड़ा सा आपको बनाकर दिखाती हूँ। मैंने थोड़े से चावल में पनीर डाला है, अब थोड़ी सी दही डालूँगी और थोड़ी सी हरी चटनी। ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन फुल है और बहुत बढ़िया भी है। अब इसको मिक्स करते हैं और मस्त खाते हैं, चलो। इट वॉज यम, बहुत टेस्टी बना भाई, मतलब ये मस्त प्रोटीन से भरा हुआ है और टेस्टी भी है, तो आप इसको खा सकते हो, बहुत बढ़िया लगता है। तो गाइस भाई मैं कर रही थी अपने ऑफिस का काम और मम्मी आई मेरे पास सो के उठ के, देखना चल रही थी और क्या बोलती, डोसा खाना है। मम्मी फटाफट आई और बोलती समोसा खाए समोसा। मैंने कहा यार समोसे तो बढ़िया, डोसा खाते हैं। फिर हमने वोट किया सबने, तो फिर भाई हम वोट में जीत गए कि हम डोसा खाएंगे। आपका वोट किसको जा रहा है? डोसे। आपका? डोसे। सब तैयार हो गया भाई 2 मिनट में डोसा खाने के लिए। और थाना भवन में अभी अभी खुली है वो शॉप, तो चलो देखते हैं आज बढ़िया भी होएगा नहीं होएगा। एक दिन हमने ट्राई किया था सांभर उसका थोड़ा सा, तो वो तो बढ़िया था। तो चलो चलते हैं, पहले गाड़ी लेकर आते हैं मंदिर से, फिर चलेंगे सबको लेके डोसा खाने। नानी कैसा लगा खा के? बढ़िया। बढ़िया है क्या? सच सच बताओ, झूठ नहीं बोलना। अभी मैंने वैसे पूरा टेस्ट किया, झूठ की डाली मुंह में। और क्या बताओ, मम्मी बेचारी हिसाब बना रही आगे पीछे वालों का। ये लो पकड़ना मासी। मीठी
आप स्प्रिंग रोल खा के बताओ कैसे हैं? कैसा लगा नानी? डोसा अच्छा, सांभर अच्छा लगा। डोसा बढ़िया, सांभर बढ़िया नहीं है। चलो अपना भी आ गया भैया, पकड़ो पकड़ो, आगे आ जा भाई लेके। कैसे लगे स्प्रिंग रोल? बहुत बढ़िया। मजा आ गया क्या आपको? बहुत बढ़िया। स्पाइसी लगे आपको थोड़े, है ना? चलो अब डोसा भी ट्राई करके बताओ कैसा लगा। ये चटनी मीठी ले लेना। हाँ हमने मीठी चटनी नहीं ली ना, मिर्ची वाली लिया, इसलिए आपको लग रहा। सो गाइस अपना डिनर विनर हो गया डन। अभी मैंने दोबारा से खा लिया पनीर की सब्जी से दो रोटी, और चलो आपको पापा से मिलवाती हूँ सबसे पहले। हेलो पापा। हाय बेटा, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ बाबू। क्या खा रहे हो? मैं दवाई अपनी। कहाँ जा रहे हैं हम? पार्क में घूमने के लिए। पापा आज हमें पार्क में ले जा रहे हैं। भाई मम्मी पापा की एक्साइटमेंट ही अलग है, बोल रहे हैं पार्क में झूले लगे, चलो तो मैं दिखा के लाए। मम्मी की तो खुशी देखो। मम्मी ने ही लगवाया क्या वो झूले? हाँ जी, पापा ने, मेरे पापा ने लगवाए हैं वो झूले, इसलिए सबको ले जा रहे हैं दिखाने। चलें सेठी, लट्ठी लुट्ठी ले लिया पापा ने, पूरे तैयार हो गए। आपने लगवाए क्या वो झूले? ओ माई गॉड। भाई साहब पापा के बोलने पर होता था ना उनमें सब काम, किसी को कोई काम कराना हो बालकिशन नारंग जी को कॉन्टेक्ट करो। क्या है अस्पताल में फ्री इलाज की बजाय लोगों से बाहर से दवाइयां मंगवाता है, बाहर से पैसा। सही बात, बढ़िया इलाज करते तो ठीक है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई हो रही है, देखते हैं कौन जीतता है। हर जगह हर नेता अच्छा नहीं होता, यही तो बात कहते हैं भाई। दाल बैठ गया शांति भ्रष्ट नहीं था। ये बैठे हैं लोग देख रहे हैं, मम्मी कह रही है पॉपकॉर्न ले आ। नहीं था, नहीं था। क्यों देखो जी, नेहरू समय महात्मा गांधी की सरकार थी, उस समय कौन भ्रष्ट? आज हिंदू जागृत है। ये ताड़ियां बजाओ सारे। कहां बात कर रहे हो? ये पापा जीत गए। So guys, अब बज गए हैं बस रात के 11, और अब जाके हुए भाई साहब डिबेट खत्म, और अब लगे हैं सब सोने। So guys, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलूंगी दोबारा से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।